व्हाट्सएप को लेकर हर रोज नई नई अपडेट सामने आती रहती हैं, जिसमें व्हाट्सएप अपने यूजर्स को नए नए फीचर दे रहा है। तो वहीं आज हम आपको कुछ हटके खबर बताएंगे जिससे व्हाट्सएप यूज करने वालों को थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम कभी भी इस प्लेटफॉर्म का गलत फायदा ना उठाएं, नहीं तो हमें व्हाट्सएप हमेशा के लिए बैन कर सकता है। बता दें, व्हाट्सएप अपने एक बयान में इस बात को लेकर कह चुका है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम यूजर्स को बिना बताए उसका अकाउंट बैन कर सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं कि व्हाट्सएप आपको किन चीजों के लिए बैन कर सकता है। आपको बता दें, अगर आप किसी को अवैध, गंदे, अपमान और डराने वाले मैसेज करते हैं तो आप बैन हो सकते हैं। मैसेज अगर हिंसा कराने वाले हुए तब भी आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। किसी और के नाम पर फेक अकाउंटेंसी, किसी यूजर्स को बार बार मैसेज करना अगर वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ना हो, व्हाट्सएप कोड को अगर मॉडिफाई या बदलने की कोशिश की तब भी किसी यूजर्स को वायरस भेजने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल, किसी दूसरे ऐप की मदद से किसी यूजर्स का व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश की, तो ये सभी इन सब में शामिल हैं जिसमें आपका अकाउंट यानी कि आपका व्हाट्सएप बैन हो सकता है। नेक्स्ट 9 टेक के लिए राशिद अली की रिपोर्ट।